हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर श्रीकांत वर्मा, डायरेक्टर सिंपल मेडिकल एकेडमी। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक और छोटी सी कहानी। ये छोटी सी कहानी है पांच उंगलियों की। एक बार की बात है कि हमारे हाथ में रहने वाली पांच उंगलियों के बीच में लड़ाई हो गई। अंगूठा बाजू वाली उंगली से कहने लगा कि मेरी ऊंचाई, मेरी हाइट तुमसे कम क्यों है। बाजू वाली उंगली बीच वाली उंगली से कहने लगी कि मेरी ऊंचाई तुमसे कम क्यों है। और यही कहानी बाकी दो उंगलियों के साथ भी थी, और इस तरीके से पांचों उंगलियों के बीच में झगड़ा होने लगा। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आखिरकार इनसे रहा नहीं गया और ये भगवान के पास पहुंचे कि आखिर आपने हमारी लंबाइयां कम ज्यादा क्यों बनाई। बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। भगवान ने उनको समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी लंबाई अलग अलग है, इसलिए तुम अपना काम अच्छे से कर सकते हो, लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आई। और आखिरकार मजबूर होकर के भगवान को पांचों उंगलियों की लंबाई को बराबर करना पड़ा। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद जब ये उंगलियां कोई भी काम करने जाती थी तो इनकी लंबाई एक बराबर होने के कारण ये किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती थी, किसी एक पॉइंट पर ये जुड़ नहीं पाती थी, और इसके कारण इनको बहुत ज्यादा तकलीफें होती थी। और अगर किसी तरीके से ये एडजस्ट करके किसी एक पॉइंट पर फोकस हो जाती, उसके बावजूद भी ये अच्छे से ग्रिप नहीं बना सकती थी, जिससे होता क्या था कि किसी भी काम को करने में इनको प्रॉब्लम महसूस होती थी। बस ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको क्या सीखने के लिए मिलता है? क्या आप समझ रहे हैं कि अगर ये उंगलियों की लंबाई अलग अलग है तो इसी कारण से ये एक पॉइंट पर फोकस होकर के किसी भी काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे भी लाइफ में कोई दिन बुरा होता है, कोई दिन उससे अच्छा होता है, कोई दिन सबसे अच्छा होता है, कोई दिन फिर उसके बाद बुरा होता है, और कोई दिन फिर सबसे बुरा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो अच्छा दिन है वो हमारे लिए बेस्ट है और ये हमारे लाइफ में बार बार आता रहे, और जो खराब दिन है वो हमारे लाइफ में कभी ना आए। ये दिन तो हमारे लिए अच्छा है जो बहुत अच्छी दिन की तरह हमारे लाइफ भर हमारे मीठी यादों की तरह हमसे जुड़ा रहता है, लेकिन वो दिन जो खराब दिन है उसका भी इंपॉर्टेंस कोई कम नहीं है। उस खराब दिन के कारण ही हमको बाकी दिनों का टेस्ट पता चलता है। तो वो खराब दिन भी हमारे जिंदगी के लिए उतना ही जरूरी है जितने बाकी दिन होते हैं। इसको हम अपने विद्यार्थी जीवन में देखते हैं। हम देखते हैं कि मंडे को कम पढ़ाई होती है, ट्यूसडे को ज्यादा पढ़ाई होती है, वेडनेसडे को बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है, थर्सडे को थोड़ा कम पढ़ाई, और उसके बाद फ्राइडे को और कम स्टडी, और उसके बाद सैटरडे संडे को बहुत कम पढ़ाई होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वेडनेसडे थर्सडे ये दिन हमारे लिए सबसे अच्छे हैं और सैटरडे और संडे हमारे लिए अच्छे नहीं है। वेडनेसडे ट्यूसडे थर्सडे ये दिन उतने ही इंपॉर्टेंट है, और सैटरडे और संडे भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। सैटरडे और संडे को हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन इस दिन हमारा जो दिमाग होता है वो रिफ्रेशमेंट पाता है। इस दिन हमारे दिमाग जो होता है अपनी मेमोरी को कंसोलिडेट करता है, जिससे हमारे जो पढ़े हुए दिन होते हैं जहां पर हम सबसे ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट लगाते हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होते हैं। यानी कि हर दिन हमारे लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। तो यही कहानी हमको इससे सीखने मिलती है कि हमें अपने लाइफ में कोई दिन अच्छा कोई दिन बुरा, कभी हमको उतार चढ़ाव अप डाउन ये देखने मिलते रहता है, ये हमारे लाइफ में आते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी दिन को बुरा मान करके उसके लिए रोते रहे। हाँ, ऐसे दिन आते हैं, लेकिन ऐसे दिनों में हमको निराश नहीं होना है। अगर हमसे कुछ करते नहीं बनता, हमको अगर कोई दिन सुधारते नहीं बनता, तो हमको कुछ नहीं करना है। टेक अ रेस्ट, कीप साइलेंस, अपने मन में चीजों को सोचिए, समय को गुजरने दीजिए। धीरे धीरे समय गुजरते चले जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि बिना कुछ किए ऑटोमेटिकली सारी चीजें ठीक हो जाती है। बस यही आज की कहानी थी और यही आज की कहानी की शिक्षा थी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे पुराने वीडियोस को पसंद किया, लाइक किया। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर श्रीकांत वर्मा, MBBS MD एनाटॉमी। Very soon, I am coming to you with my anatomy app under Mediversity. Here,
I will teach you enartigration. What is the enartigration? Yes, conceptual brainstorming, integrated synapse between the very basics of the anatomy to the various clinical and the paraclinical subjects, which will improve your knowledge in a very interesting and a beautiful way. For example, when we will learn about the very important topic peritoneum, foramen of Winslow, then immediately we will correlate this topic with the abdominal surgery Pringle's maneuver. Then immediately we will correlate this peritoneum foramen of Winslow topic to the medicine portal hypertension, and immediately the same topic we will correlate with the radiology with Mickey Mouse sign. What are the other salient features? Yes, it will be very simple, very interesting and the conceptual. We will draw the simple images on the board so that you can write, you can understand and you can remember the topics. Also, we will practice the images from all the standard books of the anatomy. Not only the anatomy, also we will use the Harrison, Love and Bailey, Dhingra, every subject so that we can memorize this all the things in our long-term memory. To make interesting the subject, also we will use the tricks and the mnemonics. We will also discuss all the controversial topics among various subjects. So dear friends, myself Dr. Srikant Verma need your blessings for my anatomy app. Very soon it is coming to you. Thank you so much.